आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि अंकिता खराब है या सही है? सर आपकी टीम कहीं से भी जाने का रास्ता निकालेंगे। ये क्या जबरदस्ती है? ये हमें भी धोखा दे सकती हो आप। मैं अंकिता की तरह नहीं हूँ। ये धांधली मत दिखाना कि यार तुम्हारे टीम में आ जाएंगे, ठीक है? वो टीम में रखना है कि नहीं रखना है साहब से? देखो आपको विकास भाई भी मारेंगे। तना पूरी टीम को खराब कर रही है वो। सर कैमरा लग गया। देखिए कैमरा मैं लगा दिया हूँ और जो भी बोलना है आप बोलिए, कैमरा चालू ही है। और उससे पहले आपका परिचय दे देता हूँ। हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं राहुल के प्रैंक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल सिंह और दोस्तों ये जय है। और जय जी आए हैं मतलब यूपी से हैं। और यूपी में सर आप कहाँ से हैं? बलिया से। सर बलिया से आए हैं और इनका कहना है कि कैमरा लगेगा तभी हम बोलेंगे कुछ। तो आपको जो भी बोलना है, जो भी प्रॉब्लम है आप बोलिए, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, मतलब रो रहे थे बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो हमने इनसे बात भी किया और इनको बुलवाया भी कि ठीक है आ जाइए आप मिलने के लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है कैमरा लगवा दिया हूँ आपके सामने, आप बोलिए बिंदास। सर मुझे आप अपनी टीम में ले लो, मेरा नाम जय है। मतलब आपकी बहुत अच्छी, मतलब मुझे वीडियो लगता है आपके, हर एक वीडियो में देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ और सबको शेयर भी करता हूँ। मैं आपके बारे में सबको बताता हूँ सर। और मैं मतलब यूपी से आऊँ, बलिया से, मतलब बहुत दूर से आऊँ सर आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा करा कि आप अपनी टीम में मतलब मेरे को लो। बस सर आप मेरी टीम में ले लो। ऐसे किसी को टीम में हम एक मालिक नहीं है, मतलब टीम मेंबर के अकेला सदस्य नहीं है, हम लोग किसी को भी रखते हैं तो हमारे पूरे टीम बैठती है। और आपको यही बात बोलने के लिए आपको कैमरा लगवाना था सर, ये बात आप मैसेज में भी करके बात कर लेते। सर आप ये सोचो ना, बस मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे ना बैठ के दो बातें करना चाहता था सर। मैं भी आया हूं, बातें कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी हाँ खुशी है, वो भी आ रखी है आपसे मिलने की। मतलब उसको कहाँ है सर? एक मिनट मैं कॉल करके बुला रहा हूँ, ठीक है सर? तो आप लोग दो आदमी आए? हाँ सर, प्लीज सर उससे ही मिलना। तो आप बुलवा लीजिए। जी सर बुलवा लीजिए। सर अभी कॉल करता हूँ सर। वो भी बलिया से ही है? हाँ सर मेरे साथ है, मेरी फ्रेंड है वो, आपकी मतलब बहुत बढ़िया आपकी वीडियो। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। हेलो हेलो खुशी आओ, सर से मिलवाता हूँ, सर से मतलब बात हो गई है, अब बुला रहे हैं आपको। ओके जी आपकी हुई थोड़ी देर में। ठीक लोकेशन भेज दो सर। ठीक है भेज रहा हूँ आपको लोकेशन। ओके जी लोकेशन भेज दो मेरे। ठीक है थोड़ा जल्दी आना। ओके जी ओके लोकेशन सेंड कर दो। ठीक है। तो आप लोग होटल होटल में रुके थे क्या? जी सर। ये कल ही आए थे तो हम कल नहीं थे, हमसे पहले मैसेज किए थे तो इनसे बोले कि ठीक है आ जाइए मिल लेंगे। और ये लोग कल रात में आया था तो हम नहीं थे, इनसे नहीं मुलाकात हुआ था। लेकिन अभी इन्होंने बोला कि हाँ नहीं मैं कैमरे के सामने कुछ बोलना चाहता हूँ, तो आप कैमरा लगाओ तभी बोलेंगे। तो कोई और खुशी लड़की है ना? जी सर। खुशी जी हैं कोई, तो भी मतलब आके बात करना चाहती है, बुलवा लीजिए जरूर मिलेंगे। और हमारी पूरी टीम भी मिल लेंगी भैया। आपकी टीम में मतलब अंकिता नाम की जो लड़की है उसकी वजह से मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मतलब ये देखिए एक गलत फहमी हो चुका है मतलब हम लोगों में या उसके अंदर, लड़की के अंदर या क्या हुआ है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं कि मतलब किसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग खुद मतलब इतना अच्छा से काम करते थे, सब कुछ एक भाई रहते थे, और आज मतलब एक लड़की की वजह से क्या मालूम मतलब हम लोग थोड़ा अलग हो चुके हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब काम करने में थोड़ा नर्वस हो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे कि मतलब तो आप हमें टीम में ले लो, मेरे साथ एक लड़की भी है उससे मतलब। देखिए भैया ऐसे हम नहीं रख सकते, सुजीत भाई हैं, विकास भाई हैं, सब कोई अभी आप जानते हैं कि मेरे टीम में बहुत कुछ चल रहा है। ये देखिए एक लड़की के वजह से मतलब इतना कुछ हुआ कि मतलब और ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं किसी लड़की को और लड़के को रखें। और ये आगे भैया ये जी। हेलो जी, तो आप हमें जानती हो, वीडियो हमारा देखते हैं? हाँ जी आपकी वीडियो देखी थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, कोई बात नहीं, सो मच। और यहाँ से मिलने के लिए आई इतना दूर से, हाँ इसके लिए भी मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग ऐसे मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि टीम में काम करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए टीम में डायरेक्टली मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे और भी टीम मेंबर हैं, सुजीत भाई हैं, विकास भाई हैं, प्रकाश है, अंकेश है। तो हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ये सब चीज़ मतलब पूछ के लेते हैं, एक साथ बैठ के बातें करके मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं कि। और देखिए आपको टीम में अगर रख लें, हमारे साथ आप लोग देखती हैं कि लड़ाई झगड़ा होते रहता है, अगर आप लोगों को कुछ हो जाएगा आपके मम्मी पापा को क्या जवाब हम लोग दे पाएंगे? अगर मान लीजिए आपको रखने के लिए कोई बात नहीं है कि रख लेंगे, सुजीत भाई से बोलने पे रख लेंगे, लेकिन अगर हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग को इतना डर रहता है कि कहीं हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर मार पीट का डर रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मतलब झगड़े करते हैं,
तो ये नहीं है कि हमारे पास ही ताकत है, अगले पार्टी के पास भी ताकत है, वो भी हमें अकेला कहीं देख के मार सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बुला के मार लेते हैं तो वो हमें नहीं मार सकता है। और हमारे साथ काम करने में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा कि कहीं भी आप जाओगे तो आपको डर बना रहेगा। एक ऐसा होता है कि मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम आए आपके साथ, यहाँ पे किसी को बुलवाएं, यहाँ पे दो तीन आदमी हम लोग भाई मिल के मार दिए, उसे समझा दी, लेकिन अगर वो गलत होगा आगे जाके अगर हमें अगर देखता है अकेले में तो हमें भी मार सकता है। ये नहीं कि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास भी ताकत है, वो भी मार सकता है हमें। तो देखिए टीम के में रहने के लिए नहीं, आप लोग पहले अपना क्या करते हो आप दोनों आदमी? सर हम स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। आप लोग स्टडी कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इसलिए यहाँ पे आने के लिए ये सब मत सोचिए। लेकिन हमें आपके साथ वीडियो बनानी है। हाँ जी, हाँ जी, आपके साथ हमें वीडियो बनाना है। जी भी कोई बात नहीं, वीडियो बहुत बार बन जाएगा। अभी आपकी ये स्टडी चल रही है, आपकी लाइफ है, अभी कुछ करो, ऐसा करो जो आपके मम्मी पापा खुश हो जाएं। आपने घर पे बता के आया कि हम जा रहे हैं किसी से मिलने? नहीं जी, हम लोग घर से भाग के आए, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। भाई आपने झूठ क्यों बोला? सर फिर आप बुलाते नहीं, नहीं कि फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमें ये मना थोड़ी करते हैं किसी को प्यार ना करें। लेकिन आप लोग आ गए, पहले ये बताइए आप घर छोड़ के भाग के आ गई हैं, इनके साथ मम्मी पापा को बताया नहीं है, आप यहीं काम करोगे हमारे साथ? आपको कर लेंगे। नहीं नहीं, आपको ये मालूम हो रहा है कि अपने मम्मी पापा को आप धोखा दे के आ गई हो, हमें भी धोखा दे सकती हो आप यहीं काम करोगे कि मतलब अपने मम्मी पापा को धोखा दे दी हो, हमें भी तो आप धोखा दे सकती हो? सर मैं अंकिता की तरह नहीं हूँ। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि अंकिता खराब है या सही है? सर एक लड़की की वजह से पूरी टीम खराब हुई है, तो फिर वो तो मैं तो उसकी तरह नहीं हूँ बिल्कुल भी। नहीं, आप बस वीडियो देख रही हो कि हाँ अंकिता कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, लेकिन अंकिता सच में गलत है या सही है हम लोग को मालूम नहीं हुआ। आपको कैसे मालूम हो गया कि अंकिता गलत है या सर? देखा था ना, पूरी टीम को खराब कर रही है वो। देखिए ये डिसाइड आपने तो पहला ये गलती किया है कि अपने मम्मी पापा को बिना बताए भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। किसी लड़की को आप भगा के लाए हो यहाँ पे मिलने के लिए लाए हो, अगर बताइए इनके मम्मी पापा को क्या बिता हुआ? आपने कॉल करके बताया होगा? नहीं नहीं। आपने बताया आपने घर पे? अभी नहीं। वो लोग क्या समझते होंगे कहाँ पे गया लो? आप मिलने के लिए आ गए हो, पहले तो सबसे बड़ी गलती ये आपने कर दी। सर मैं और हम जानते तो ऐसा आपको बुलाते भी नहीं। आपको जब हम मैसेज किए थे, जब इंस्टा पे मैसेज किया आपने कि बोला कि हाँ मिलना है, अपने मम्मी पापा को तो बताना चाहिए कि हाँ हम जा रहे हैं राहुल के पास जा रहे हैं, उनसे मिलना है या उनसे कुछ बातें करनी है, चाहे उनके साथ काम करना है। फिर आने नहीं देते वो हमें घर से। तो क्या मतलब घर से छोड़ के भाग जाओगी? यही काम है सर, हमारे पास यही ऑप्शन बचा था, पर उनको बोलते तो हमें वो जाने नहीं देते, हमारे पास यही ऑप्शन बचा था। बहुत बड़ी आपने गलती की है ये मालूम है आपको, माँ बाप ने जिसने पोल पास के बड़ा किया आपको, मतलब इतना बड़ा कर दिया, आप उनको उनसे आपने परमिशन नहीं लिया, हमारे टीम में आप काम करोगे, हमसे आप कुछ आगे चल के परमिशन ना लो, आप बड़े हो जाओ। सर हम लेंगे ना परमिशन? लेंगे क्या सर? परमिशन मतलब आप अपने मम्मी पापा को जब इतना बड़ा धोखा दे सकते हो, हम लोग को भी तो धोखा आप लोग दे सकते हो। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कैसे विश्वास कर सकते हैं लोग कोई? ये बताइए जब मतलब जिसने आपको पैदा किया, आप दोनों जन अभी आपको पढ़ा लिखा रहा है लोग, कौन खर्चा देता है? ये कपड़ा जो भी पहनी हो ये कौन देता है? माँ बाप देते हैं ना, तो मतलब माँ बाप को बस बिना बताए आप लोग चल दिए, ये क्या सही किया आपने मेरे पास आने के लिए, मेरे से मिलने के लिए? ये काम सही कर दिया कि बिना माँ बाप को बताए भाग के आ गए? अगर आपसे नहीं मिले तो अभी समझिए, आपसे अगर हम ना मिले फिर आप लोग तो दोनों आदमी घर जाते ना वापस, क्या बीतता माँ बाप पे? समझ है आप दोनों को? आपने क्या नाम बताया था? खुशी जी। हाँ जी खुशी। खुशी जी बहुत ज़्यादा गलती की हो आप कि अपने माँ बाप को नहीं बताई हो, अभी तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको मार भी दूँ, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ, शर्म करो यार, किसी से मिलने के लिए अपने माँ बाप को नहीं बताओ क्या होगा? और तुम भाई झूठ बोल रहे हो कि फ्रेंड है, बाद में ये लड़की बता रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? आप मिलते नहीं नाम से, इसके वजह से नहीं मिलने देते भाई हम, क्या इतना बड़ा कुछ है नहीं कि आपको नहीं मिलने देंगे? अगर आप भाई हम लोगों के हेल्प करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके आप आओगे मिलने के लिए हम इतना बड़े आदमी हो गए आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसे आप मिलते नहीं इसी की वजह से मुझे झूठ बोलना नहीं झूठ बोलना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप मिलने के लिए झूठ ये बात चलिए सही है, लेकिन आप लोग बिना मम्मी पापा को बताए आप लोग मिलने के लिए आ गए हो, ये सुजीत भाई को अगर मालूम पड़ेगा ना कि कोई आया है मिलने के लिए अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाग के आ गया लो, तो दोनों आदमी को मारेंगे।
विकास भाई को भी मालूम होगा ना कि एक लड़का लड़की आ गया है भाग के, मिलने के लिए आया लोग और टीम में काम करने के लिए, और मम्मी पापा को नहीं बताया लो तो आपको विकास भाई भी मारेंगे। सुजीत भाई को तो मालूम है ना कितना गुस्सा आता है, अगर वो एक भी चाटा मारे तो आप सह नहीं पाओगे। आपको काम करना है, जो भी करना है आप मैसेज करके बात कर लेते वहीं से। मम्मी पापा अगर नहीं आने देंगे कहीं तुम्हें, तो कहीं भी आप लोग जा सकते हो, इतना बड़े हो गए हो कहीं डिसीजन लेके जा सकते हो। आपसे मिलना था, इसकी वजह से मिलना मुझसे मिलना था भाई, वो मैंने नहीं रखती है कि मिलना था तो हम अपने मम्मी पापा को नहीं बताएं। वो तो लड़का है, आप तो लड़की हो, घर का मतलब लक्ष्मी हो, आपको तो सोचना चाहिए ना कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा आप लोग गलती कर रहे, शर्म करो कि आपने क्या किया है। देखो साफ सी भी बात है, आपको टीम में रखना है कि नहीं रखना है, साफ से उसी से बात बता। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि टीम में रखना है या नहीं रखना है, आप अपने गलती करके आए हो। जब हम इतने दूर से आ सकते हैं अपने घर वालों से ना बता के, तो आपसे मिलने के लिए तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, फिर हम कोई से कोई रास्ता निकाल लेंगे, टीम से घुस लेंगे, हम निकाल लेंगे रास्ता। जबरदस्ती है, आप टीम में घुस जाओगी तो आप सर, आपसे जब हम प्यार से बात करें आप मान ही नहीं रहे हो। जब हम अपने घर से भाग के आ गए, किसी को बताया नहीं, तो आप क्यों नहीं रख सकते हो फिर हमें? हमने भी इतना बड़ा डिसीजन लिया है। जबरदस्ती है कि हमारे टीम में आप कैसे घुस सकती हो, मेरे टीम में जबरदस्ती कैसे आ सकती हो? अगर आप नहीं घुसाओगे सुजीत भाई से बोलेंगे। सुजीत भाई अगर रखते हैं, प्यार से रखते हैं, वो बात सही है, हम भी रखे या सुजीत भाई या विकास भाई, सब हम लोग एक ही हैं। लेकिन आप लोग जो गलती किए हो उसके लिए हम डांट रहे हैं। मम्मी पापा को आप लोग शर्मिंदा करके आ गए हो। सर इतने दूर से आए हम आपसे मिलने के लिए, आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। तो क्या हो गया, आपसे मिला हूँ ना, लेकिन ये नहीं कि मतलब आके यहाँ पे अपने मम्मी पापा को बिना बताए चले आए। ये क्या हम गलत आपको बता रहे हैं? ये बताओ आप हमें अपने टीम में रखोगे नहीं रखोगे, साफ सीधी से बात बता। आप पहले दोनों अपने मम्मी पापा को घर पे फोन करके बताओ। हम नहीं बताएंगे, अगर क्यों नहीं बताओगे तो बुला लेंगे। भाई आप पागल हो क्या, माँ बाप पे क्या गुजरेगा ये मालूम है आपको? आप बोल रहे हैं नहीं बताऊंगा घर पे फोन करके, आप भी वैसे हो बन रहे हो। समझो कुछ माँ बाप का फीलिंग तो समझो, क्यों लोगों को मालूम नहीं होगा क्या क्या समझेगा। सर ये इतना दूर से मेरे को लेके आया है आपसे मिलने के लिए, मेरे को आपके साथ। हम लोग बहुत लड़के को देखे हैं, लेकर आ जाएगा छोड़ के चला जाता है। और आप मतलब अभी आप लोग आए हो ना, तो शायद पैसा वैसा लेके भग के आए होगे। पैसे वैसे हम लेके नहीं भग कर आए, बस नहीं नहीं जो भी हो, जितना दिन रहने के लिए खाने के लिए, इसीलिए इतना दोनों आदमी को गर्मी है पहले। और क्या मेरे टीम में क्या जबरदस्ती रास्ता मिल जाएगा तुम्हें रहने के लिए? जितना पावर लगाना हो लगा लेना। निकाल लेंगे सर, निकाल लोगी? हाँ जी निकाल लेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस हाँ जी कर लेंगे हम। आप नहीं रखोगे तो हम तो कहीं से कहीं निकाल ही लेंगे। ये सुनो ना, ये धांधली मत दिखाना कि यार तुम्हारे टीम में आ जाएंगे, ठीक है? ये जब तक सुजीत भैया विकास भैया नहीं चाहेंगे ना, या अगर हमारे टीम मेंबर कोई नहीं चाहेगा ना, तुम नहीं आ सकती हो हमारे टीम में। तुम जब अभी इतना रूडली बात कर रही हो, हमारे टीम में क्या काम करोगी? सर फिर हम इतने देर से हम प्यार सबसे बात कर रहे थे, हम भी तो आपको आपको बोले कि अपने मम्मी पापा को आप कम से कम बता दो कि हाँ। सर नहीं बता सकते, जब तो आपसे बात कर रहे हैं नहीं बता सकते हम उनको। क्यों नहीं बता सकते? वो हम नहीं कर सकते ना, फिर वो हमें तो आगे से कुछ करने भी नहीं देंगे। एक तो हम घर से भाग के हम दोनों के लिए आए, वो आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। क्या आप लोग हो दोनों आदमी, आप लोग ऐसे काम करोगे किसी टीम में आके? ऐसे काम करोगे आप लोग, मतलब जबरदस्ती आ जाना है, माँ बाप को आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो तो हमें क्या बताओगी आप? आगे चल के हम अपने टीम में रखेंगे लोग, आप लोग को कहीं जाना है या कहीं हेल्प के लिए बुलाना है किसी को, तो क्या आप बात करोगी? ऐसे ही बात करोगी बिना सुजीत भाई को बताए, बिना विकास भाई को बताए किसी को चले जाओगे ऐसे ही करके? नहीं, हम फिर बता के जाएंगे ना। क्या अभी तो आप माँ बाप को आप नहीं बता रहे, हमें क्या बताओगे? हम तो बस एक दोस्त हैं, मिले हैं कहीं। फिर माँ बाप सर वो आगे से हमें कहीं नहीं जाने देंगे। आप पहले फोन करके बताओगे? नहीं ये बताओ। नहीं सर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? ऐसे नहीं बताएंगे हम। प्लीज कम से कम अपने माँ बाप को तो बताओ। अगर आप नहीं रख रहे हो हमें, आप रखोगे या नहीं रखोगे? आप सबसे सीधी बात ऐसे आप बात कर रहे हो, आपको कोई टीम में रखेगा? हमारी सबसे सीधी बात, आपको रखना नहीं रखोगे, आप अपनी टीम में नहीं रखोगे, हम कहीं से कहीं रास्ता निकाल लेंगे, आपकी टीम में कहीं से भी जाने का रास्ता निकालेंगे। क्या जबरदस्ती है कि आप आ जाओगे? साफ सीधी से बात है, हम कई टाइम निकालेंगे। अगर आप अपनी टीम में हमें नहीं रख रहे हो तो हम कहीं से कहीं ना रास्ता निकालेंगे और चले जाएंगे। बस साफ सीधी से बात है हमारी। हमें भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है? आप बताओ रखोगे या नहीं रखोगे? सर ज्यादा हमें बात नहीं करना है, हम नहीं रखेंगे। अभी मेरे पास इतना टाइम है, बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम निकल। हां हां हम जा ही रहे हैं, हम कर लेंगे। आप लोगों को क्यों? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, दूर से आए हो इसलिए कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें नहीं, हम अपनी रास्ता निकाल लेंगे। हमारे अंदर बहुत घटिया आदमी हो यार, तुम लोग अपने माँ बाप को बताओ यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ।
देख लीजिए ऐसे लोग आए हैं और हमने क्या इनसे गलती बात किया कि हाँ मतलब माँ बाप को बता दो, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं माँ बाप को नहीं, हम टीम में आ जाएंगे। ये क्या ज़बरदस्ती है भगवान, क्या हो रहा है हम लोग के साथ? मतलब टीम में कोई भी, मतलब आप लोग ही खुद देखिए कि हम लोग इतना अच्छे से काम करते थे, आज हमारी टीम बदल रही है और लोग का भी मज़ा ले रहा है, बहुत लोग आके मतलब टीम में आना है, ज़बरदस्ती आना है, ये क्या मतलब चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग